Hi guys, welcome back to my channel. आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा एंड यहाँ से भी पता लग रहा होगा, पहले भी पता लग गया होगा. Finally it's time to fly back home. एंड ये सरप्राइज होगा, किसी को नहीं पता दैट आई एम कमिंग. और अभी हम घर से निकले हैं, निकल रहे हैं घर की तरफ, घर से सियाटल जाने के लिए. हमारी फ्लाइट है सियाटल टू दुबई एंड दुबई टू इंडिया. तो उसके लिए स्टे ट्यून रहे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप लोगों को शेयर करनी है जो लोग बाई यूएस ट्रैवल कर रहे हैं. सो अभी यहाँ से हमारे घर से सियाटल एयरपोर्ट जाने तक के लिए 3 hours की जर्नी है. सो स्टे कंटिन्यू एंड आई विल गोना शेयर यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रैवलिंग. सो इट्स गोना बी ट्रैवल प्लस सरप्राइज प्लस विजिटिंग दुबई. सो मच फन, स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड इफ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल, माई नेम इज ज्योति. We live in Vancouver, Canada, and guys, do not forget to like, share, subscribe to my channel if you're liking this video. और अगर previous भी vlogs देखने तो जाकर देख लेना और बहुत सारा प्यार देना. Finally, दोस्तों हम border पहुंच गए हैं. सामने जो आपको दिख रहा है वो duty free है. And अब बस हमारा immigration होगा पहले यहाँ पर. Half an hour की drive के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना traffic है थोड़ा सा आगे जाके. वीक डे में फ्लाइट कराने का बहुत फायदा हुआ, देखो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है. एक एक दो दो कार है लाइन में और आई थिंक हार्डली 5 to 10 minutes लगे हैं हमें इमिग्रेशन कराने में, बॉर्डर क्रॉस करने में, और उसके बाद आपको मिलता है. वैसे ये एज लोग इतना कुछ पूछते नहीं है, बस ये पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, एंड समटाइम्स ये बैग भी चेक कर लेते हैं. बट आई होप अगर हम बोलेंगे एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं तो आई थिंक नहीं बोलेंगे. और मैंने फ्लाइट सियाटल टू दुबई क्यों कराई है, वैनकूवर टू दिल्ली क्यों नहीं कराई, वो मैं आपको अभी आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ. गाइज हो गया, बस 2 मिनट भी नहीं लगाया, बस पूछा कि कैसा था, क्या क्या हुआ, एंड वी आर डन. हम निकल लिए 2 मिनट में, क्या 1 ही मिनट लगी है. बस ये पूछा कि क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो और कुछ ऐसा जो तुम्हें डिक्लेयर करना हो. हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं हमारे बैग्स के अलावा और गिफ्ट्स के अलावा, तो हमें कुछ डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी. एंड पीछे देखो कितना अच्छा लाइक ओशन है. तो निकल लिया फाइनली. नाउ 2 घंटे हैं यहाँ से प्रॉपर, अब हम सियाटल में एंटर कर चुके हैं. चलो आप लोगों को भी लेके चलते हैं अपने साथ साथ. फर्स्ट स्टॉप लगाया एज यूजुअल शेवरॉन. और यूएस में पेट्रोल भी और गैस वट एवर हम बोलते हैं वो सस्ता है एज कम्पेयर टू हमारे कैनेडा से. तो यहाँ पे बहुत लोग सिर्फ वीकेंड पे गैस भराने ही आ जाते हैं. हम तो नहीं आते उन लोगों में, बट यस बहुत लोग आते हैं. इस वजह इतने पेट्रोल फिल कराते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि वाई आई एम फ्लाइंग फ्रॉम सियाटल टू इंडिया नॉट फ्रॉम वैनकूवर टू कैनेडा. तो पहली बात तो ये कि मैंने फ्लाइट बहुत एंड मोमेंट पे कराई है, लाइक विद इन 3 to 4 weeks के अंदर अंदर. तो डेफिनेटली अगर मैं वैनकूवर टू इंडिया जाती तो वो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, लाइक अराउंड 2000 to 2500 मिनिमम. और फ्लाइट्स के ऑप्शन भी कुछ खास नहीं थे एंड मुझे ज़्यादा ऐसे लंबी घूम फिर के फ्लाइट पसंद नहीं. आई प्रेफर टू इधर डायरेक्ट और वेरी शॉर्ट टाइम फ्लाइट. सेकेंड थिंग कि जो भी यूएस से फ्लाइट जाती है इंडिया के लिए वो चीपर होती है एज कम्पेयर टू फ्लाइंग फ्रॉम कैनेडा टू इंडिया. यूएस से बहुत बहुत सही प्राइस में मिली. और जो मुझे इस फ्लाइट का प्राइस मिला वो मुझे मिला 1500 समथिंग. तो विच इज़ नॉट बैड अगर मैंने एट मोमेंट पे भी कराई है सियाटल टू दुबई एंड देन दुबई टू इंडिया. और सियाटल टू दुबई डायरेक्ट फ्लाइट है विच इज़ 14 hours. वो आपको भी आगे आगे पता लगेगा. और उसके अलावा भी आई नीड टू शेयर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रैवल, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. दोस्तों बारिश बोल रही है कि तुम कुछ ही कर लो, तुम्हारा पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगी, चलूंगी तो तुम्हारे साथ साथ. बारिश आ रही है फुल और स्टिल 1 hour टू गो, ट्रैवल ही कर रहे हैं और पत्ते लगा रही हैं साथ साथ. दोस्तों वो सामने है स्पेस नीडल एंड दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी. मैं अपने 25 बर्थडे पे फर्स्ट टाइम यूएस आई थी एंड आई विजिटेड स्पेस नीडल. सो ब्रिलियंट एक्सपीरियंस. आई माइट अटैच पिक्चर हियर और देयर बट वी आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट, पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में. ट्रैफिक भी हो गया है रेन की वजह से थोड़ा थोड़ा, इस वजह से थोड़ा स्लो भी चल रहा है. एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और एमिरेट्स कर रही है हमारा इंतज़ार. अब हम भरेंगे उड़ान. 3 घंटे में पहुंचे हम फाइनली यहाँ पर. कहीं रुके भी नहीं, रुकना था बट सोचा कि चलो छोड़ो एयरपोर्ट पे कुछ खा पी लेंगे भूख लगी तो. अभी जा रहे हैं पार्किंग में, पार्क करेंगे और आपको फिर आगे का फर्दर प्रोसेस दिखाते हैं. ये सामने वाली पार्किंग है अराइवल्स एंड डिपार्चर के लिए दोनों के लिए. और यहाँ से शुरू हो गए हैं फ्लाइट के सारे एंट्री गेट. फ्लाइट भी जा रही है ये. अभी हम पार्किंग ढूंढेंगे, पार्किंग लगाएंगे एमिरेट्स के आगे, एमिरेट्स के काउंटर वाले पे, और फिर वहाँ से आएंगे निकल के. और बस कैसे मिलती है वो भी आपको दिख रही होगी, वो सामने वहाँ पर वो बस खड़ी है. सो वैनकूवर से सियाटल तक भी बस भी आती है, अगर किसी को बस से आना है तो. कोई ड्रॉप ऑफ करने वाला नहीं है,
तो आप बस लेके भी आ सकते हो और काफ़ी अफोर्डेबल है बस भी। जा रहे हैं गेट पर अपनी लगेज सबमिट कराने एंड देन कुछ खाएंगे पियेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश होंगे, वॉशरूम भी यूज़ करना है और प्यास भी लगी, सब एक साथ ही हो रहा है। तो हम इसका चेक इन भी शुरू हो चुका है तो अभी चलते हैं और चेक इन करा लेते हैं, लगेज डिपॉजिट करा देते हैं, बेस्ट थिंग है, इसके बाद टेंशन फ्री। डिपॉजिट हो चुके हैं गाइस, बोर्डिंग पास ले लिया है, बाय बाय गाइस, इट्स टाइम फॉर चेक इन। फाइनली विजय लेफ्ट और मैं जा रही हूँ चेक इन, सिक्योरिटी चेक इन कराने, लेट्स गो। काफ़ी भीड़ हो रही है तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम से करा लेते हैं, बेटर रहेगा और सेफ्टी रहेगा, लेट्स गो गाइस। सिक्योरिटी चेक इन डन, फाइनली गेट्स की तरफ जा रही हूँ, बट पहले कुछ खाऊंगी पीऊंगी, सो लेट्स सी इफ आई कैन गेट सम स्टार भी। एंड काफ़ी क्राउडेड लग रहा है यहाँ पर, बोर्डिंग हो रही है किसी फ्लाइट के, दैट्स व्हाई। और थोड़ा सा छोटू भी है नो डाउट इस चीज़ में, स्टार भी आ चुका है, तो पहले कुछ कॉफ़ी पी लेती हूँ उसके बाद निकलूँगी आराम से। एंड देन माई गेट नंबर इज़ देयर एस गेट, आई हैव टू गो दैट वे। इस रैप एंड कॉफ़ी ले लिया है, अब थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे एंड देन निकलेंगे यहाँ से। कॉफ़ी के लिए स्पॉट बना दिया, फाइनली गोइंग फॉर माई ट्रेन, जो मेरा गेट है वो एस गेट है, उसके लिए ट्रेन लेके मुझे जाना पड़ेगा तो मैं उसी के लिए जा रही हूँ अभी। एंड देन शांति से एक बार गेट के आसपास पहुँच जाऊँ, उसके बाद सी दैट्स व्हाट आई डू। इस फाइनली ट्रेन से उतर के मैं आ गई हूँ अपने गेट के पास, सामने मेरा गेट S16, मैं बैठी हूँ, लाटे पीऊँगी, थोड़ा सा खाऊँगी एंड देन उसके बाद बोर्ड करेंगे। अभी स्टिल है बोर्ड में 40 मिनट्स, तो पहले अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। इतना गेट के पास बैठने के बाद इतना सुकून आया ना कि अब टेंशन नहीं है, जब तक गेट नहीं मिलता गाइस बहुत टेंशन होती है। अनाउंसमेंट हो रही है, कॉफी नाइस वन। गाइस कितनी अच्छी ड्रेस है एमिरेट्स की, एयर होस्टेस की, सो ब्यूटीफुल, सारी बहुत सुंदर लग रही है। दोस्तों बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड सी द प्लेन गाइस, कितना जान लग रहा है। मिस्टर जोसेफ जॉर्ज, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं थोड़ा लास्ट में जाके करूँगी। दोस्तों फाइनली बोर्डिंग हो रही है, मेरी भी लाइन में लगे हुए हैं एंड बाय बाय टू सियाटल, बाय बाय टू कैनेडा, लेट्स गो टू दुबई। और जो दुबई की इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपको या तो आगे अभी बताऊंगी या दुबई पहुंच कर बताऊंगी, तो अभी फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना प्लीज़ और शेयर भी कर देना। दोस्तों आई फाइनली रीच टू दुबई एयरपोर्ट एंड मैं खड़ी हूँ, मेरा अभी 10 आवर्स का ले ओवर है दुबई में एंड आई एम गोना गो आउट, सो फॉर दैट आई हैव टू चेक माई वीज़ा एंड स्टफ। उसके लिए मैं पीछे ये जो काउंटर है यहाँ पे वीज़ा और दुबई होटल्स के लिए चेक इन कर सकते हैं, तो मैं वहीं जा रही हूँ, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी एंड देन मैं आप लोगों को बताऊँगी। आई एज़ फाइनली गोइंग फॉर एन एग्जिट चेक इन के लिए, मैंने किया था स्मार्ट से बट हुआ नहीं बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे एग्ज़िट करना है, तो आई वुड एबल टू गो एंड डू इट मैनुअली, इमिग्रेशन होगा उसके बाद मेरी एग्ज़िट होगी, सो लेट्स गो। और मुझे इमिग्रेशन जैसे मेरा हुआ, उन्होंने वीज़ा देखा, दे गिव मी अ फ्री सिम एमिरेट्स की, ये है कि एक शॉर्ट आउट बनता है एमिरेट्स को, इससे अच्छा मैंने किसी का खाना नहीं खाया
और इससे अच्छा मैंने फ्लाइट नहीं किया सकता। आई ट्रेवल लाइक लोड ऑफ फ्लाइट्स बट दिस इज़ द बेस्ट बेस्ट फूड बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट फ्लाइट आई वुड से। बहुत ही बड़ी एक्सपीरियंस था। 14 घंटे की फ्लाइट कब निकल गई पता भी नहीं निकली, पता भी नहीं चला। राइट नाउ मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ। लगेज तो मुझे कलेक्ट करना है नहीं बिकॉज वो मुझे इंडिया में मिलेगा, मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन है। बट अभी मेरे पास 10 घंटे हैं तो अभी चलते हैं दुबई घूमते हैं, आप लोगों को भी घुमाते हैं। माइट भी मैं थोड़ी बहुत करेंसी एक्सचेंज कराऊँ बिकॉज शायद मैं ट्रांजिट यूज़ करूँ, और अभी सिम डाल लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। दोस्तों दुबई का एयरपोर्ट भी बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा भी है। अभी तक मेरी एग्जिट ही नहीं हुई है, घूम घूम के जा रही हूँ, फाइनली एग्जिट कर रही हूँ। और मेरा प्रोसेस इसलिए भी इतना फास्ट हो गया बिकॉज जो मैंने दुबई का वीज़ा था मुझे वैसे ज़रूरत नहीं, तो ऑन अराइवल मिल सकता था एज आई ऑलरेडी होल्ड अ यूएस वीज़ा। बट अगर आप लोगों के पास यूएस वीज़ा नहीं हो, दुबई का वीज़ा चाहिए, तो आप एमिरेट्स के ऐप पे साइट पर जाके अपने टिकट, अपना पासपोर्ट और इफ़ यू आर होल्डिंग एनी अदर कंट्री सिटीजनशिप वो सब अप्लाई कर दो। 5 to 10 डेज़ में आपका वीज़ा आ जाता है। मैंने 48 आवर्स का वीज़ा लिया था बट स्टिल आई गॉट द वीज़ा फॉर 7 आवर्स, तो आप वो कोशिश कर सकते हो। सुपर ईजी और बहुत ही कन्वीनियंट प्रोसेस है, डेफिनेटली यू गाइस शुड ट्राई। एंड अगर आप दुबई में ले ओवर है 10 आवर्स का तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा, मुझे भी मिला है 10 आवर्स के लेवल पर, तो आप लोग भी ले सकते हो और घूम सकते हो। सो अभी चलते हैं, आप लोगों को दुबई घुमाते हैं मेरे साथ साथ, लेट्स गो। ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे छोटे छोटे बॉक्स लगाए हुए डायरेक्ट करने के लिए कि टैक्सीज कहाँ से मिलेगी, वो सब कहाँ से मिलेगा, तो इट्स वेरी वेरी ईजी टू ट्रैवल एंड पता वता करना किसी भी चीज़ का। और इन्फॉर्मेशन डेस्क भी बहुत छोटे छोटे बहुत सारी जगह बनाए, और करेंसी एक्सचेंज भी यू कैन फाइंड इट लाइक लोड ऑफ प्लेसेस हियर, गुड वंस। प्लीज एंटर योर सीक्रेट नंबर, वेलकम, प्लीज एंटर योर सीक्रेट नंबर। Please wait while your transaction is guys, मैंने करेंसी एक्सचेंज कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू मेट्रो स्टेशन, और मैं मेट्रो स्टेशन से जाऊंगी बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल, और आप लोगों को साथ ले जाऊंगी। और मैंने सोचा था लगे तो करा दूँ बट मैंने कराया नहीं, आई डोंट नो फिर मैं कौन सा टर्मिनल पे से मिलने वाला था, तो मैंने इतना कुछ फैसला नहीं किया। मैं इतने लंबे टाइम के लिए नहीं जा रही हूँ, तो दैट इज़ वाई आई हैव टू गेट द टिकट फ्रॉम हियर। अगर आप लोग आ रहे हो तो ये सीधी ऐसे वो मिलेगी एक्सेलेटर, और यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। मैं आई पेड $14 फॉर राउंड ट्रिप फ्रॉम एयरपोर्ट टू, थैंक यू सो मच। दोस्तों सो मैंने ये टिकट लिया है 14 में आना जाना मेट्रो टू बोर्ड एंड बोर्ड टू, और 25 मिनट्स की राइड है एयरपोर्ट से। इजी ट्रैवल है, और अगर आप लोगों को फील लेनी है किसी भी कंट्री की तो पब्लिक ट्रांजिट यूज़ करना चीप होता है। प्लस लाइक $14 तो डेफिनेटली टैक्सी नहीं मिलनी थी मुझे, एक तो चीप होता है वो तो फर्स्ट थिंग है, और उस ट्रांजिट से ही तुम कंट्री की फील ले सकते हो और अच्छे से घूम सकते हो। यू वुड गेट टू नो कंट्री मोर बेटर इफ़ यू यूज़ पब्लिक ट्रांजिट। टैक्सी में तो यार रोड टू रोड जाएंगे, हाईवे टू हाईवे जाएंगे और चले जाएंगे, अभी बहुत कुछ आराम से वहाँ पहुँचेंगे 10-15 मिनट में, और फिर आप लोगों को बुर्ज दिखाएंगे। इफ़ यू गाइस आर लाइकिंग माई ब्लॉग प्लीज़ लाइक, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। ट्रेन जा चुकी है और नेक्स्ट वाली लेंगे, अभी वाली जा रही है हमारी जैसी मेट्रो जैसे हमारे दिल्ली में होती है। और आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी माई फैमिली आफ्टर 2 ईयर्स। फाइनली एग्जिट हो गई है हेडिंग टू मॉल। काफ़ी स्मूथ एंड कन्वीनियंट थी मेट्रो स्टेशन। अब डेफिनेटली मैं सबको रिकमेंड करूँगी अगर कोई लोग बोझ या आप लोगों को दिख रहा हो ये सामने दुबई मॉल ही है पूरा ऑलमोस्ट, और ये बिल्कुल सीधा सीधा ही है। मेट्रो स्टेशन से निकलो बिल्कुल सीधा सीधा, ऐसे एक्सेलेटर बने हुए हैं काफ़ी सारे, और आई थिंक इसके एंट्रेंस दुबई मॉल के आगे जाके निकलेगी। आई एम सो एक्साइटेड। दोस्तों एंट्री कर ली है दुबई मॉल में फाइनली, लेट्स गो। और पहले वॉशरूम देखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत खाते पीते हैं, दैन बुर्ज की तरफ चलते हैं क्योंकि मेन तो मुझे वही देखना है। शॉपिंग माइट भी लिटिल बिट करनी पड़ी तो कर भी सकते हैं, नॉट 100% श्योर। तो फूड कोर्ट के लिए काफ़ी घूम फिर के रास्ता बता रहा है,
एंड सेकंड फ्लोर पर 4 मिनट का भी बता रहा है। तो चलो चलते हैं हम हेयर फूड कोर्ट पे चलते हैं, पहले कुछ खाते पीते हैं क्योंकि अभी आ रहे हैं बहुत गंदे वाली भूख से चक्कर। पहले कुछ खा पी लेते हैं और टाइम हो रहा है अराउंड 10 बजे शाम के, और आप एक बार भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हो मॉल से देख के, 24/7 है वैसे भी ये। गाइस फूड कोर्ट आ गई हूँ, काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है और बहुत सारे ऑप्शन है खाने के लिए। अच्छे क्या खाते हैं, न्यूयॉर्क फ्राइज इज ऑल्सो देयर। ऑल सेट रेडी भोज देखने के लिए। मिनिमल सा ऑल सेट टचअप भी कर लिया है एंड कपड़े चेंज कर लिए, अच्छे से फ्रेश हो गई हूँ। ऑल सेट रेडी टू सी द भोज नाउ, लेट्स गो, आपको भी लेके चल रही हूँ। और काफ़ी रिफ्रेश महसूस हो रहा है क्योंकि बहुत गर्मी में खिचपिच हो गया था। सो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को भी व्यूज। कैनेडा वालों टीम्स ने भी पीछा नहीं छोड़ा अभी तक हमारा। फाइनली मैं एग्जिट पे आ गई हूँ फाउंटेन शो देखने के लिए और आपको व्यू दिखाने के लिए। और ये लोअर ग्राउंड पर, अगर आप लोग मेरी तरह स्काई ट्रेन से आ रहे हो तो लोअर ग्राउंड लेवल पे आना एंड देन आपको सारे साइन बोर्ड दिख जाएंगे फाउंटेन शो की तरफ आने की तरफ। सो लेट्स गो, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। इतना क्राउड कैसे हो रहा है इधर, आज तो फ्राइडे भी नहीं है जो छुट्टी है लोगों की। वापस से जा रही थी और जाते जाते मुझे ये वाला भी दिख गया मस्त, सो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कितनी सुंदर मॉल बनाई हुई है। सो ब्यूटीफुल दुबई मॉल, नो डाउट बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ा है और ऑलमोस्ट सारे स्टोर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड मैं बताऊँ इंडियन करेंसी वाइज यस बिट एक्सपेंसिव, बट एज आई एम मेकिंग इन कैनेडियन सो कैनेडियन वाइज इज चीपर फॉर अस। अगर हम कैनेडा से कंसिडर करें तो बहुत बहुत सही प्राइस है यहाँ पर चीज़ों के, क्योंकि कनाडा में तो लूट लग मची हुई है हर चीज़ की एज ऑफ नाउ रिसेशन के बाद। सो इट्स अ गुड वन, अगर आपको ट्राई करें तो आप डेफिनेटली देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। अगर आपने लग्जरी शॉपिंग करनी है तो कैनेडियन से तो डेफिनेटली चीपर है यहाँ पर। मैंने कुछ एक स्टोर देखे हैं चाहिए, सो इट्स गुड वन। गाइस फाइनली निकल ली हूँ, मेट्रो के वे पर जा रही हूँ वापस ही, जहाँ से शुरू करा था वहीं आ गई हूँ। और अभी पहले कुछ चाय कॉफ़ी उठाऊँगी एंड देन वी गोना हेड आउट टू एयरपोर्ट। काफ़ी घूम लिया है, काफ़ी कुछ देख लिया है, ट्रिप सक्सेसफुल हुआ। 10 घंटे में से 4-5 घंटे मैंने यहीं पे निकाल दिया है। नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू, बिकॉज मेट्रो 12 बजे तक ही चलती है, उसके बाद बंद हो जाएगी। उससे पहले पहले आई हैव टू एक बच्चे ने मेरा बैग भी गड़बड़ कर दिया यार, वो फिक्स कर दिया। यस तो मैं क्या बता दी अभी, हाँ चाय कॉफ़ी लूँगी, यहाँ पर डंकिन भी है तो मैं उससे लूँगी एंड देन फिर निकले। वो आ गया डंकिन का नाम है, डंकिन का आ गया हूँ, ले ली है बैग में जो चाली है और अभी चलते हैं। गाइस स्वेटर पहन लिया है, पहुँचने वाली हूँ एयरपोर्ट टर्मिनल पर, पहुँच ही गई हूँ एंड अभी निकल रहे हैं। चलो आपको एयरपोर्ट और अभी निकल लिया है, पहुँच गए हैं बैक टू एयरपोर्ट घूम फिर कर। फन था, काफ़ी बढ़िया था। अगर आप लोग आ रहे हो तो डेफिनेटली विज़िट करना अगर आपके पास भी हो 10-1 घंटे लेओवर में, तो मस्त मस्त विजिट दुबई। मैं पहुंच गई हूँ पैसेंजर गेट पर फाइनली, करा के अपना आराम से फिर ड्यूटी फ्री देखेंगे। कुछ शॉप वॉप करना हुआ तो आई स्टिल हैव अ टाइम, आई वुड एबल टू डू इट फ्रॉम देयर। तो अभी चलते हैं यहाँ से। नाउ सिक्योरिटी लगेज चेक इन एंड उसके बाद हमारा ये वाला सिस्टम सारा कंप्लीट हो जाएगा।
काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है गाइस, और काफ़ी क्लीन इंटैक्ट और वेल मेंटेन, और लाइक पूरी हेल्प है हर जगह पे, छोटे छोटे काउंटर्स, सिक्योरिटी और हेल्पफुल लोग भी ऐसे खड़े हो जैसे ये भैया हेल्प कर रहे हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे। अगर किसी को नहीं पता हो, इंग्लिश पढ़नी ना आती हो, तो इजी टू कम्युनिकेट है यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अभी भी ये वाली वॉच रोलेक्स की है, और आई थिंक ये सब दुबई में देखा है मैंने, तो जितनी लक्स लग्जरी रोलेक्स वाली वॉच लगाई है, वॉल वॉच समथिंग डिफरेंट ना गाइस। आई थिंक आप लोगों को पीछे दिख नहीं रही होगी वो वॉल, बट उस पर एक बहुत ही सुंदर फॉल वाटरफॉल बनाया हुआ है, और वो रियल आंखों से दिख रहा है, इस पर ही दिख रहा है, बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं जा रही हूँ अपने गेट सी पर, एंड लेट्स गो, चलते हैं। आज ड्यूटी फ्री एरिया में आ गई हूँ, माइट भी कुछ शॉप करूँ, डेट्स वगैरह देखना है मुझे, अगर मिल गया तो डेफिनेटली मैं बाय कर लूँगी, तो अभी देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। गाइस दुबई आओ, टेस्ट जरूर लेके जाना। लूनर ईयर की वजह से बहुत सुंदर डेकोरेट किया हुआ था। मैं जा रही हूँ फाइनली मैकडोनल्ड्स, मैं बर्गर खाने पे आऊँ सुबह से, मुझे कुछ खाना है, मुझे फिर भूख लग रही है, सो लेट्स हैव सम दुबई मैकडोनल्ड्स। तो इस मैकडोनल्ड्स के बर्गर ने मेरी यादें ताज़ा कर दी, स्मेल सो स्ट्रॉन्ग, सो गुड, लेट्स हैव इट। दोस्तों फाइनली लास्ट फ्लाइट टू इंडिया बोर्ड कर रही हूँ, with some breakfast and the food is really good. खुशी से फूला नहीं समाया जा रहा है, फाइनली इंडिया, अरसों के बाद अपने देश। यहाँ पे भी चेकआउट डन, और जिस रफ्तार से मैंने चेकआउट करा के मैं बाहर निकल रही हूँ ना, बस आई नो द फीलिंग ऑफ इट। अभी फटाफट बैग उठाते हैं अपना, आई होप बैग आ जाए टाइम से, अदरवाइज विल सी। और अभी निकलते हैं, फिर भाई वेट कर रहा है बाहर, ओनली उसको पता था घर में दैट आई एम कमिंग, सो ही गोना पिक मी अप, लेट्स गो। दोस्तों बैगेज कलेक्ट हो रहा है, और अब मेरे को पेशेंस नहीं हो रहा बिल्कुल भी, मैंने फ्लाइट तक बहुत पेशेंस दिखा लिया है, फटाफट मेरा बैग आ जाए, आई कैंट। अब मैं आगे खड़ी होंगी यहाँ पर, और यहाँ से देखूँगी अपना लगेज, और बहुत सारे लोगों को तो ऐसे निकाल के भी रखे हुए हैं, मिलते हैं आपको लगेज उठा के। तो लगेज ने तो लहू पी लिया है, एक आ गया है तो एक नहीं मिल रहा है, आई थिंक पता नहीं कितना देर लगेगा, 15 मिनट तो हो गए हैं यहाँ पर बेड पर खड़े खड़े। फाइनली बैक टू इंडिया, अपने शहर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, दो दो के सिक्के लग रहे हैं मेरे को, तो 10 का सिक्का है, ये मैं इतनी देर से कंफ्यूज होगी, सो क्या मैं कि भाई कितने देर बता दो दे। दोस्तों क्या हाल करा रखा है दिल्ली का, इतना फॉग, ये तो कुछ नहीं है, फरवरी के मध्य ही बताओ। अबे नाउ आई कैन फाइनली से दैट इंडिया इज नॉट फॉर यू। पापा नमस्ते। अरे कोली कैसी हो? पापा से मिल पहले। पापा नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया। शेरी बेबी, शेरी शेरी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दादी के पास दादी के पास दादी के पास दादी के पास आ जाओ आ जाओ। रोज याद करो, रोज याद रोते रही बस 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 रोते रही है, आ तो गई।
गाड़ी वहां खड़ी है।